अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने किचन में एप्पल क्रम्बल बना रही हूँ। एप्पल क्रम्बल के लिए जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें दो तरह के मिक्सचर रेडी करने होंगे। पहले मैं आपको क्रम्बल के लिए चीजें बताती हूँ। जिसके लिए हमें 300 ग्राम्स प्लेन फ्लावर चाहिए होगा, 100 ग्राम्स हमें ब्राउन शुगर चाहिए, 200 ग्राम्स हमें बटर चाहिए। इसके बाद हम फिलिंग के लिए जो चीजें रेडी करेंगे उसके लिए हमें नॉर्मल साइज के 5 एप्पल्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। वेट में हमें रफली 450 ग्राम्स एप्पल चाहिए, जो कि काटने के बाद आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। मैंने उन्हें फाइनली चॉप करके रखा है। 50 ग्राम्स ब्राउन शुगर इसके लिए भी चाहिए होगी। 1 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर हमें चाहिए। प्लेन फ्लावर में मैंने पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डाला है, महज खुशबू के लिए या टेस्ट के लिए है। अगर आपको सिनेमन की स्मेल नहीं पसंद, ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम एप्पल मिक्सचर को रेडी करेंगे और उसके बाद हम क्रम्बल को रेडी करेंगे। पहले मैं जो है वो फिलिंग रेडी कर रही हूँ इसकी, जिसके लिए एप्पल्स में हम शुगर डालेंगे। ये ब्राउन शुगर है जो कि हम इसके लिए क्रम्बल के लिए यूज कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसमें फ्लावर डालेंगे, फ्लावर और जिसमें मैंने पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर का यूज किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि आप इसको नाइसली, आपको सारी चीजों को, तीनों चीजों को मिक्स करना है, एप्पल को, ब्राउन शुगर को और फ्लावर को। और इनको मिक्स करने के बाद जब आपको ये लगे कि अच्छी तरह से तीनों चीजें मिक्स हो चुकी हैं, आप इसको एक साइड पे रख के फिर हम क्रम्बल को रेडी करते हैं। जब तक हम एप्पल की फिलिंग को रेडी कर रहे हैं, इतने टाइम में आप प्लीज अपना ओवन जो है उसको प्री हीट करें। अगर आप गैस वाला ओवन यूज कर रहे हैं तो उसको गैस मार्क 4 पे आप हीट करेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन यूज कर रहे हैं तो 180 सेल्सियस पे आप उसको प्री हीट करेंगे। और इसका कुकिंग टाइम जो है वो रफली 40 to 45 मिनट्स होगा। ओवन का प्री हीट होना किसी भी बेकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैं अपना ओवन प्री हीट कर चुकी हूँ, तो आप भी अपने ओवन को प्री हीट कीजिए। आपने देखा है कि हमने पहले फिलिंग रेडी कर ली है, फिलिंग रेडी करके हमने साइड पे रख दी है। अब हम क्रम्बल को रेडी करेंगे। क्रम्बल रेडी करने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं इनको हम मिक्स करेंगे। पहले हम 300 ग्राम्स जो हमारे पास प्लेन फ्लावर है हम वो डालेंगे एक बड़े प्याले में, और उसके साथ हम जो 100 ग्राम्स ब्राउन शुगर है हमारे पास हम वो इसमें शामिल करेंगे। पहले हम ब्राउन शुगर को और फ्लावर को मिक्स करेंगे, और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम जो बटर है वो इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने बटर को भी इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी। आपको क्रम्बल में मेल्टेड बटर यूज नहीं करना है, आपको बटर को मेल्ट करके इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। बटर जो है वो इसी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट, बिल्कुल मेल्ट हुआ ना हो, बस सॉफ्ट हो। बटर जो आप यूज करेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मेल्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत सख्त हो, क्योंकि आपको क्रम्बल के लिए रूम टेम्परेचर बटर की जरूरत होती है। और अगर आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको वुडन स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। आपको जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस वक्त क्रम्बल और फिलिंग दोनों रेडी हो चुके हैं। बटर को मैंने फ्लावर के साथ इतना मिक्स किया है कि वो इस तरह से क्रम्बल की शक्ल अब आपको नजर आ रही है, जिस तरह के ब्रेड क्रम्स नॉर्मली आपको देखते हैं। अब ये दोनों चीजें रेडी हैं, और अब मैं इससे नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगी। अभी मैंने अपने पैन को स्प्रे कर लिया है ऑयल स्प्रे। आपके पास जो भी ऑयल हो, बटर हो, आप उससे उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इसके बाद मैं अब आपको इसकी सेटिंग दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से ट्रे में सेट करेंगे। सबसे पहले आपको जो हमने एप्पल की फिलिंग रेडी की है आपको पहले वो ट्रे में डालनी है।
आपको नजर आ रहा है कि मैंने सारी फिलिंग जो है वो ट्रे में डाल दी है। ट्रे में डालने के बाद आप इसको अच्छे से ट्रे में सेट कर लें फिलिंग को, और उसके बाद जो क्रम्बल मिक्सचर है उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अब हम क्रम्बल जो है वो इसके टॉप पे सेट करेंगे क्रम्बल को। नाइसली क्रम्बल जो है वो आप इस सब सारे एप्पल की फिलिंग को क्रम्बल के साथ कवर कर दें। एप्पल क्रम्बल को आप इस तरह से भी खा सकते हैं इटसेल्फ भी, लेकिन ये कि एप्पल क्रम्बल को हम आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी प्लेन आइसक्रीम के साथ आप एप्पल क्रम्बल को सर्व कर सकते हैं, और मैं लेकिन एप्पल क्रम्बल को कस्टर्ड के साथ सर्व करूंगी। आप अगर पसंद करें कि आप एप्पल क्रम्बल को कस्टर्ड के साथ सर्व करेंगी तो आप प्लीज़ इसके लिए इसके साथ ही कस्टर्ड रेडी कर लें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्पल क्रम्बल को हमने रेडी कर लिया है। एप्पल क्रम्बल की फिलिंग डालने के बाद क्रम्बल नाइसली इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब मैं इसको 40-45 मिनट्स के लिए अवन में रखने जा रही हूँ और फिर इसकी फाइनल शक्ल इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। मैंने अब क्रम्बल को अवन में रख दिया है और मैं इसको 45 मिनट्स के टाइमर पर मैंने इसको सेट कर दिया है, और फिर इंशाल्लाह इसको रेडी होने के बाद हम देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एप्पल क्रम्बल रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मैं इसको छोटे पीसेस में काटूंगी और उसके बाद आपको इसको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। मैं अब आपको इसको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। अब देखें ये कितना नाइसली अंदर से सारा कुक हो चुका है, और अब मैं इसको सर्व करने का तरीका आपको बताऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली रेडी होने के बाद मैं इसको कस्टर्ड के साथ सर्व कर रही हूँ, और आप गरम कस्टर्ड के साथ गरम एप्पल क्रम्बल को सर्व करें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं एप्पल क्रम्बल को इस कस्टर्ड के साथ सर्व कर रही हूँ जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको आप एप्पल क्रम्बल पे डालकर इस तरह से सर्व कर सकते हैं। मैं एप्पल क्रम्बल को इस तरह से सर्व कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस वक्त के कस्टर्ड को एप्पल क्रम्बल के ऊपर डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। होपफुली ये रेसिपीज बाकी की तरह आपको पसंद आएंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।